ये हमारी एक्सेल की शीट है। इस एक्सेल की शीट में ऊपर की तरफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हमारी अल्फ़ाबेटिकली गिनती चल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चल रहे हैं ए बी सी ये। लेकिन कहाँ तक चलेंगे? जेड तक चलेंगे। जेड तक नहीं चलेंगे, ये चलेंगे हमारे, देखो जेड आ गया यहाँ पे, ये जेड आ गया, जेड के आगे फिर ए, सबका पहला अल्फ़ाबेट ए होगा, उसके आगे बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह फिर ए के बाद जेड आ जाएगा लास्ट में, ये आ गया जेड। अब सबका अल्फ़ाबेट बी हो जाएगा, सबके आगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह बी के आगे भी जेड आ जाएगा, फिर सी शुरू हो जाएगा, सी के आगे भी एक बार जेड आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, इसी तरह से डी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ, जैसे कहते हैं टॉप टू बॉटम, तो इसको कहते हैं रो। नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ, जैसे ये हो गया हमारा रो, और यही अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो भी हमारा रो ही कहलाता है। और हाँ, अगर मैं लेफ़्ट चलता हूँ या राइट चलता हूँ तो ये कॉलम होता है हमारा, ठीक है। तो कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं? हम लास्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और सबसे नीचे वाला, ये जो चार एरो दिख रही हैं आपको, इनमें से कंट्रोल दबा के रखेंगे और नीचे वाला एरो यूज़ करेंगे तो लास्ट की रो पे आ गए, ठीक है। हमारी लास्ट की जो रो है वो है 10,48,576, ठीक है। इसी तरह वापस हम फर्स्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और ये ऊपर वाली एरो यूज़ करेंगे। इसी तरह लास्ट के कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और राइट वाली एरो यूज़ करेंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम पे आने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और ये लास्ट फर्स्ट कॉलम पे आ गए। तो हमारे 10,48,576 रो हो गई और 16,384 कॉलम होते हैं। अगर आप ऐसे कॉलम गिनोगे ना इस तरह से लास्ट तक, ये 16,384 बनेंगे। इसको देखने का एक तरीका और भी है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सामने लिखा आएगा 10,48,576 आर, आर का मतलब रो, गुड़े 16,384 सी, सी का मतलब कॉलम, क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें प्लेन शीट नहीं होती है। प्लेन शीट ना होने की वजह से इसमें प्लेन शीट नहीं होती है, इसमें सेल होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स। ये आपको जितने भी छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं, सी ई डबल एल सेल, और हर सेल का अपना एक नाम होता है, ठीक है। हम इसके नाम को कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हमें ऊपर ए बी सी डी दिया हुआ है और नीचे हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 गिनती दी हुई है। हम ए बी सी डी और इनके माध्यम से ही सेल को पहचानेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं F5 के अंदर हूँ, मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं G, मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं I4 के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं B4 के अंदर हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं M2 के अंदर हूँ, क्लियर। अब हम छोटी छोटी दो एक बातें देख लेते हैं कि जैसे कुछ इसके अंदर, मैं आपको सबसे पहले मेन चीज़ बताता हूँ। जैसे हम जमा, इसके अंदर अगर हमें टोटल करना हो, ठीक है, घटा करना हो कि आपस में दो अंकों का, गुणा करना हो, भाग करना हो, मैं चार चीज़ें पहले आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं जमा, टोटल। टोटल के लिए मैं एक छोटा सा रिजल्ट बना लेता हूँ फटाफट। ये मैंने 3 स्टूडेंट लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ये टोटल। मैं इनको कुछ नंबर्स दे देता हूँ, अब मैं इनका टोटल करूँगा। इनको टोटल करने के लिए हम ये देखेंगे कि ए जो स्टूडेंट है उसका टोटल B2 में आ रहा है, C2 में आ रहा है और ये D2 में आ रहा है, यानी कि हमें 54, 74 और ये नंबर चेंज कर देता हूँ 25, 54, 74 और ये 25 का टोटल करना है। तो हम 54, 74 और 25 का टोटल डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इनके सेल का नाम देंगे। ये 54, 74 और 25 जिस सेल में लिखे हुए हैं
हम उन सेल्स के नाम लिखेंगे, और कोई भी फॉर्मूला हमारा शुरू होता है वो बराबर से शुरू होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, कोई भी फॉर्मूला बिना बराबर के हम अगर कोई वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू ही बन जाएगी, और बराबर लगाते ही वो वैल्यू फॉर्मूला बन जाएगी। जैसे बराबर सम ब्रैकेट शुरू, आप फॉर्मूला, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप इसको यहाँ भी देख सकते हो, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। वाइट कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है ये हमारा फार्मूला बार भी कहलाता है। हम जो भी लिखेंगे, जो भी इफेक्ट होगा वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। बराबर सम ब्रैकेट शुरू, मुझे जोड़ना है 54, 74 और 25 को, तो मेरा 54 जो लिखा हुआ है वो भी लिखा है बी टू के अंदर। बी टू प्लस 74 हमारा सी टू के अंदर लिखा है, और ये डी टू। मैंने तीनों वैल्यू को लिख करके प्लस कर दिया, बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू। मैं 54, 74 और 25 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एक रीज़न होता है कि हम सेल नंबर ही क्यों डालते हैं। अगर हम सेल नंबर न डाल के 54, 74 और 25 डालेंगे तो भी कंप्यूटर टोटल कर देगा, लेकिन हमें दिक्कत तब आएगी जब हम इन टोटल्स के अंदर अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे टोटल, अगर यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं तो टोटल में वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर हम सेल नंबर डालते हैं तो इनके नंबर्स जैसे ही चेंज करेंगे हम तो टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मेरा पहला फार्मूला है बराबर सम ब्रैकेट शुरू बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू। मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ ये टोटल नंबर निकाल के देता है, ठीक है। अब टोटल नंबर जो भी आया है, या अब अगर स्टूडेंट यहाँ, तो तीन स्टूडेंट है तो इसलिए मैं मैन्युअली तीनों के अलग अलग निकाल सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे संख्या हज़ारों की हो तो वहाँ हम एक एक करके अगर टोटल निकालें तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए इसका एक तरीका होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये सेल तीन तरफ से तो बंद है लेकिन चौथी तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। ये सेल चौथी तरफ से खुला हुआ है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इस खुले सेल का अपना एक खुला पॉइंट जो है इसका एक मतलब है। अब आप माउस के पॉइंटर को देखो, ये वाइट कलर का बड़ा सा प्लस का निशान बन के आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इस प्लस के निशान को यहाँ पे रखता हूँ, देखो ये ब्लैक कलर का हो गया और पतला हो गया। तो आपने भी यही बात ध्यान देनी है, जैसे मैं इसको 153 पे रखता हूँ जो कि ए का टोटल है, अब मैं माउस को इस खुले वाले हिस्से पर रखता हूँ तो ब्लैक कलर का साइन बन जाता है। अब ब्लैक कलर का साइन जब बनेगा तब मुझे क्लिक से इसको ड्रैग करना है, जिसको खींचना कहते हैं। ड्रैग करते ही ये बाकी के टोटल अपने आप निकाल देगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे टोटल किया था बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू। अब मैंने सेल नंबर इसलिए डाले थे ताकि अगर मैं कुछ नंबर्स में चेंजेस करूं तो ये टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। जैसे मैं नंबर में चेंज करता हूं, मैं 25 के जगह 35 करता हूं तो मेरा टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो गया। लेकिन अगर यही मैंने यहां पे सेल नंबर ना डाल के मैंने 54, 74 और 35 डाला होता तो यहां पे चेंज करने के बाद ये चेंज नहीं होता, क्लियर। अब मुझे ये पहला फार्मूला हो गया हमारा टोटल करने का। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं, हम वापस इसको यहाँ पर क्लिक किया मैंने टोटल पर, मैं इसको खिसका के यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। ये टोटल मैं खिसका के यहाँ पर लाऊंगा ताकि मैं एक टोटल और समझा सकूँ आपको। तो मैं यहाँ से लूँगा इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम। ये शीट कॉलम क्या करेगा, इस वाले कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर देगा और बीच में मुझे खाली कॉलम मिल जाएगा, ओके। इंसर्ट शीट कॉलम, ये शीट कॉलम यहाँ शिफ्ट हो गया और मुझे बीच में खाली कॉलम मिल गया, ठीक है। एक चीज़ क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक टोटल और करके दिखाता हूँ आपको। टोटल, इसके नीचे मैं टोटल करता हूँ। इस टोटल को हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ऑटो सम। ऑटो सम, ऑटो सम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप वैल्यू ढूंढ लेता है कि आपने किस वैल्यू का टोटल करना है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड के 54, 74 एंड 35 को ले लेता है, एंड देन एंटर। अब आपका ये टोटल भी उतना ही बताएगा, लेकिन अब अगर आप यहाँ देखें तो फार्मूला चेंज हो गया। फार्मूला इसने वो नहीं लगाया है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे फार्मूला इसने लगाया है बराबर सम ब्रैकेट शुरू बी टू, इसको हम कहते हैं कॉलन। ये जो ऊपर नीचे दो बिंदी आ रही डॉटेड, ये कहलाती है कॉलम। तो बी टू कॉलन डी टू ब्रैकेट बन, ये इसने फार्मूला लगाया। अब इस फार्मूले का लॉजिक समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे अगर हमारे सब्जेक्ट तीन की बजाय 10 होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 45, 85, 96, 54, 74, 63, 52, 41, 47, 45, 21, 25,
सपोज मुझे इन सब का टोटल यहाँ पे करना है, तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, जो बराबर सम ब्रैकेट शुरू बी टू सी टू एंड टी टू, तो पहले हम फॉर्मूले को इस तरह से टोटल करते हैं, बराबर सम ब्रैकेट शुरू। अब मैं ये 45 मेरा लिखा है ए टेन के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा, ए टेन प्लस माउस हटाते बी टेन प्लस सी टेन प्लस डी टेन प्लस ई टेन प्लस एफ टेन प्लस जी टेन प्लस एच टेन प्लस आई टेन प्लस जे टेन प्लस के टेन। ओके, टोटल आ गया हमारा 596। मुझे इनका टोटल करने के लिए 596 जो कि इतना बड़ा फार्मूला मुझे लगाना पड़ा। ओके, और यहाँ पे यही मैंने सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट कम थे तो इस वजह से हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि फार्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट को बढ़ाना पड़ गया और यहाँ पे हमने जब टोटल किया तो फार्मूला बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट शीट कॉलम, इसको मैंने यहाँ खिसका दिया। अब मैं दूसरे तरीके से यहाँ टोटल करता हूँ, देखो बराबर सम ब्रैकेट शुरू, एक शुरू कर लूँगा मैं जिसको ए टेन में है, जो ए टेन बीच में लगाएंगे दो बिंदी, दो बिंदी आप ध्यान रखो कीबोर्ड में कहाँ से आएगी, ये एल के राइट साइड में जो बटन है दो बिंदी, ये इसको कॉलन कहते हैं, ये आप शिफ्ट के साथ लोगे, बिना शिफ्ट के साथ लोगे तो नीचे वाले जो साइन है वो आ जाएंगे, इसलिए शिफ्ट दबाया और ये कॉलन लगाया। ओके, फिर एक लास्ट का लिया हमने जो कि हमारा के टेन है, के टेन। ओके, ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया एंड देन एंटर, तो भी हमारा टोटल वही निकला है। ओके, और यही टोटल हमारा कैसे होता है, डायरेक्ट अगर आप यहाँ ऑटो सम से करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिक सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ए टेन कॉलन एल टेन। ओके, एंटर। हमने इस वाले फॉर्मूले में एक एल छूट गया था हमारा, मैं दोबारा लगा देता हूँ एल टेन। ओके, दोनों फार्मूले का टोटल सेम है, क्लियर। ये हमारा हो गया प्लस का, और आपको ये यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है। ओके, आपने देखा मैंने कैसे ड्रैग किया, यहाँ खुले वाले हिस्से पर रखा मैंने और इसको ऐसे नीचे खींच लिया। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। एक फार्मूला और है, आप इसको यहाँ पे रखो, क्योंकि मुझे मैथ के तुरंत बाद एक टोटल और समझाना है आपको। अभी इन दोनों टोटल को मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट शीट कॉलम, ये दोनों शिफ्ट हो गए, बीच में मुझे कॉलम और मिल गया। यहाँ पे एक तरीका और है टोटल करने का, वो देख लो आप कैसे होता है, बराबर सम ब्रैकेट शुरू। आपको दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल दबा लो। ओके, मैंने कंट्रोल दबा लिया है। अब माउस से मैं उन नंबर्स पे क्लिक करूँगा जो मुझे टोटल करने हैं, जैसे मुझे ये 54 टोटल करना है, मुझे 74 टोटल करना है, मुझे 35 टोटल करना है। ब्रैकेट को बंद किया एंड देन एंटर, आप देखेंगे तो भी उसने टोटल वही निकाला है, बी टू सी टू डी टू। ओके, इसको भी हम ड्रैग करेंगे। ओके, अब आप देखो ये तीन तरह के टोटल हो गए, बराबर सम बी टू सी टू डी टू, बराबर सम बी टू कॉलन डी टू, और बराबर सम बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू। टोटल करने के आपने तीन तरीके सीखे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको इसके बाद अभी गुणा और भाग भी बता दूंगा। कॉपी पेस्ट देखते हैं हम, अगर सिलेक्ट किए गए मैटर की, सबसे पहले हमें वो मैटर सिलेक्ट करना है जो हमने कॉपी करना है। ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करते ही ये एरिया डॉटेड हो गया, इसका मतलब ये कि ये एरिया कॉपी हो चुका है। अब आप इसे रखना कहाँ चाहते हो, मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, आपको माउस को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आपने माउस यहाँ क्लिक करके डेस्टिनेशन बता दिया कि आपको ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे रखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रखोगे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रखोगे यहाँ पे आएगी, जहाँ आपने क्लिक किया वहीं पे ये चीज़ कॉपी होके आएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ सीधा पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे आ गई। ओके, जब तक ये डॉटेड निशान आपको यहाँ दिख रहा है तब तक आप इसे कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं,
जैसे मैंने यहाँ पे रखा, पेस्ट किया, ये चीज़ देखो फिर वही रिपीट हो गई। मैंने यहाँ पे रखा पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे रखा पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे रखा पेस्ट किया। तो मैं जितनी जब तक ये डॉटेड निशान आ रहा है उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। ये डॉटेड निशान अगर हट गया तो ये पेस्ट नहीं होगा दोबारा। ओके, कंट्रोल डी से अगर मैंने हटा दिया पेस्ट, देखो अभी नहीं हो रहा। ओके, अब हम समझते हैं इसमें कट का मतलब। ये कॉपी और पेस्ट आपको क्लियर, कट का मतलब समझते हैं। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ मैटर सारा। हम देखेंगे कट क्या होता है। मैंने ये सिलेक्ट किया कट, हम कट कर रहे हैं तो भी ये डॉटेड का साइन बन के आ रहा है। ओके, ये डॉटेड का साइन बन के आ रहा है। अब इसका मतलब ये मैटर मूव होने के लिए तैयार है, मैटर को मूव करते हैं हम। कॉपी में क्या होता है कि आपका मैटर ओरिजिनल भी रहेगा, ओरिजिनल जो हमने कॉपी किया वो भी रहता है और दूसरी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। लेकिन कट में नहीं बनता ऐसा कुछ भी। कट में क्या करेगा, जो हमारा ओरिजिनल मैटर है वो मूव होके वहाँ चला जाएगा जहाँ आप उसे रखना चाहते हो। मैंने ये मैटर सिलेक्ट किया, मैंने कट पे क्लिक किया। अब मैं इसे रखना कहाँ चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ पे रखा पेस्ट, ये मैटर कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। ओके, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, आप कट चलाओ चाहे कॉपी चलाओ, पेस्ट दोनों कंडीशन में चलेगा। ओके, अब मैं आपको गुणा और भाग क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपने 45 गुणा 65 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला बार के अंदर मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं फार्मूला बार में लिखूँगा, आप भी फार्मूला बार में लिखने की कोशिश करना। बराबर सम ब्रैकेट शुरू, A10, मेरा 45 जो है वो A10 में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू नंबर डाला A10। मल्टीप्लाई के लिए आपको देखो यहाँ पे आप समझ लो कीबोर्ड में ये प्लस का साइन है, एंटर के ठीक ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन के ठीक ऊपर माइनस का आ रहा है, माइनस के साइन के ठीक लेफ्ट में आपका गुणे का निशान है और उसके लेफ्ट में राइट लेफ्ट में ठीक आपका ये भाग का निशान है। चारों निशान आपको क्लियर। तो A10 गुणे हमारा B10, ब्रैकेट बंद और ये एंटर, हमारा टोटल आ गया 2925। ओके, अब हमने मान लो कोई, अब इसको भाग करना है हमने मान लेते हैं 13 से। ओके, हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं C10 को D10 से। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, बराबर सम ब्रैकेट शुरू C10 डिवाइड बाय D10 ब्रैकेट बंद और एंटर। आप पाएंगे कि ये इसने हमें रिजल्ट क्या दिया, 225। इसने इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया है। ओके, तो आपके यहाँ चार फार्मूले कराए हैं मैंने, जो कि आप देख सकते हैं, एक टोटल का, एक आपका गुणे का हो गया, ये भाग का हो गया, एक माइनस का। और देखते हैं हम यहाँ पे, सपोज दैट हमने कोई वैल्यू लिखी यहाँ पे, इसमें से हम ये वैल्यू माइनस करना चाहते हैं। बराबर सम ब्रैकेट शुरू, हमने जिस सेल के अंदर वैल्यू लिखी है उस सेल का नंबर डालेंगे, A14 माइनस B14, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। आपका रिजल्ट आ गया ये। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ, रिजल्ट मेरा चेंज हो गया। इसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही तो मेरा रिजल्ट माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। ओके, इस वैल्यू को छोटा करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, रिजल्ट प्लस में आ गया। ये आपका टोटल का फॉर्मूला है। तीन तरह के टोटल मैंने आपको बताए, एक मैंने आपको ये गुणा का बताया यहाँ पे, एक मैंने आपको बताया भाग का, एक मैंने बताया आपको माइनस का। ओके, इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला और अभी क्लियर करता हूँ, जो कि है आपका मैक्स, MAX मैक्स। मैक्स का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला स्टूडेंट कौन है। हम ये यहाँ पे स्टूडेंट की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास अगर डाटा पड़ा हुआ है कोई सा, तो हम जान सकते हैं उस डाटा के अंदर से कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस डाटा की। सपोज दैट बराबर मैक्स, फार्मूला लिख रहे हैं बराबर मैक्स ब्रैकेट शुरू, आपको फार्मूला लिखना बराबर मैक्स ब्रैकेट शुरू। अब आपको टोटल नंबर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जानना है कि ए बी या सी तीनों में से सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, एफ वाला, जी वाला भी या ई वाला, तीनों ही टोटल के फार्मूले हैं, तीनों में टोटल आया हुआ है, इसलिए आप
अगर ई को लेते हो तो भी आ जाएगा, आप एफ को लेते हो तो भी आ जाएगा, आप जी को लेते हो तो भी आ जाएगा। मान लो मैंने ये लिया, ओके मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरा क्राइटेरिया इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया E2:E4, E2 से लेके E4 तक का एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ एंड देन एंटर। ये अपने आप यहाँ बताता है कि 163 वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसमें। मान लो मैं इसमें वैल्यू बढ़ा देता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे 25, बी के नंबर हैं 25 मैथ में, अब मैं इसका नंबर कर देता हूँ 95 करते ही टोटल नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गए किसके, 216 हो गए, नंबर चेंज हो गए। अब यहाँ पे टोटल नंबर चेंज होते ही ये 216 सबसे हाईएस्ट नंबर हो गए। अब यहाँ भी देखो मैक्स इसने 216 कर दिया ऑटोमेटिक। हमारे टोटल नंबर में जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, चाहे वो ए की वैल्यू हो, चाहे बी की वैल्यू हो, चाहे सी की वैल्यू हो। और अगर ये वैल्यू बदलती है तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके अब अगर मैं 93 सी को सबसे ज़्यादा नंबर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम नंबर सी के भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं 95 और यहाँ भी कर देते हैं 95। अब आप देखेंगे सी के नंबर हो गए 226, तो यहाँ भी टोटल यहाँ भी मैक्सिमम नंबर हमारा 226 हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये फार्मूला दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप मिनिमम नंबर निकालना चाहते हैं, सेम प्रोसेस है, बराबर मिन, ब्रैकेट शुरू, सेम प्रोसेस। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपको एरिया बताना है, एरिया मैंने लिया टोटल नंबर, कि मुझे टोटल नंबर में से बताए कंप्यूटर की सबसे कम नंबर किसके हैं। ब्रैकेट को बंद किया मैंने एंड देन एंटर, सबसे कम नंबर मेरे 163 ए के सबसे कम नंबर है। अब मान लेते हैं हम ए के नंबर बढ़ाते हैं, ए के नंबर हम करते हैं 95, इसको भी करते हैं 95। अब आप पाएंगे सबसे कम नंबर है बी के, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक 216 हो गया। क्लियर ये दोनों चीज़ें आपको, मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ हम नंबर चेंज करते हैं तो टोटल चेंज होता है, जैसे टोटल में कोई चेंजेस होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा।